हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होकर मजे कर रहे होंगे। सो वेलकम टू योर चैनल, आपके खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम मोशन का पार्ट 9 शुरू करेंगे, ठीक है? अपने कॉपी पेन निकाल लेना, क्योंकि आज मैं न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ आपको। मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी, उनके आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम क्या करने वाले हैं, कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस पे? इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है? अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जरा मैं आपसे कुछ बात करता हूं। हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। पहले देखो, लगा लेंगे सब कुछ हो जाएगा, सिंपल सी मैथ्स है। वैसे है ना, आपको अगर जिस बच्चे को मैथ्स में नफरत है तो यार आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें, थोड़ी सी, क्योंकि हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है? अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास। पहली होती है आपकी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, दूसरी होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हम कौन सी कब लगाएं, कौन सी हम इक्वेशन को कब लगाएं। देखो, जब आपको क्वेश्चन में आपको वी गिवन हो, यू गिवन हो और टी गिवन हो, और आपसे पूछ रहा हो मुझे ए निकाल दो, तब नेचुरल सी बात है आप ये फर्स्ट वाली ही अप्लाई करने वाले हो। ऐसे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं हमारे आगे ना। अच्छा, इसमें आपको एस निकालने के दो फॉर्मूले हैं। आप डिस्टेंस, एस मीन डिस्टेंस, वी मतलब होता है, वी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, यू क्या होता है, यू होता है आपका, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या होता है आपका, टी होता है टाइम टेकन, ए क्या होता है आपका, ए ए इज एक्सेलरेशन, ठीक है? और एस क्या होता है आपका, एस होता है डिस्टेंस, ना कि स्पीड, एस होता है डिस्टेंस। तो एस निकालने के दो फॉर्मूले, आप सेकंड से निकालो, थर्ड से निकालो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, याद रखना है बात। अच्छा, सेकंड वाली कब करेंगे, जब आपसे वो एस पूछ रहा होगा, आपको यू दे देगा, यू दे देगा, टी दे देगा और ए दे देगा। थर्ड वाली हम कब लगाएंगे, थर्ड वाली आपको वी दे देगा, यू दे देगा और ए दे देगा, पूछेगा एस निकाल दो। तो इस तरह से हम सारी इक्वेशन लगाएंगे, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है आपने सेकंड की जगह थर्ड लगा दी तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है, आंसर पे आप पहुंच जाओगे, बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है? तो एक बार जरा स्टार्ट करते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। न्यूमेरिकल करने का रूल नंबर 1 कहता है कि भाई सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार में मत पढ़ो। मैं भी यही समझाता हूं आपको बार बार ना, क्वेश्चन को एक बार में मत पढ़ो, क्वेश्चन के पार्ट्स कर लो 3-4, और उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख डालो, आपका न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि इसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसका यू 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ये भी लगा लेना, कई टीचर इसके मार्क्स काट लेती है। तो क्या इसका यू 0 होगा, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। तो नेचुरल सी बात है, मेरे पास स्पीड 2 होती थी, या तो यू होता था या फिर वी होता था। अगर आपका यू 0 है तो मतलब मेरा वी होगा 72 किलोमीटर पर आवर, है ना? बट आगे चलने से पहले चेक कर लेना कि सब कुछ उसके एसआई यूनिट के अंदर है। किलोमीटर पर आवर इज नॉट द एसआई यूनिट। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था क्या था, इंटू 5/18। अगर आप भूल गए तो मैं फिर रिपीट दिलाया था, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम करेंगे इंटू 5/18, और अगर मीटर पर सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को, तो इंटू हम करेंगे 18/5। तो ये दो चीजें हम याद रखेंगे, हम डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? 18 का मल्टीपल होता है, आपको पता है 18 × 4 = 72 होता है। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, वी आ गया आपके पास। अब आगे कह रहा है इन टाइम, टाइम दे रहा है 5 मिनट। मिनट अगेन इज नॉट द एस यूनिट ऑफ टाइम, इट इज सेकेंड। तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 60 सेकेंड, तो ये आएगा 300 सेकेंड। आप एक बार नोटिस करो, हमें कितना कुछ मतलब कन्वर्ट करना पड़ रहा है। कन्वर्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है? कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अभी तक हमें गिवन है, कह रहा है ए निकाल दो। लो, इससे इजी क्वेश्चन होगा, आप मुझे बताओ। ए का फॉर्मूला तो हम वैसे ही पढ़ते आए हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। लगाओ, क्वेश्चन खत्म करो, आंसर निकालो। मैं एक सेकेंड जरा ये इरेज कर दूं, ठीक है? एक आप हमने जरा वीडियो को पॉज करो, लगाओ और निकालो। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना? तो ए
v कितना है मेरे पास 20, u कितना है मेरे पास 0, t कितना है मेरे पास 300, तो ये हो गया 20/300, काटोगे ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 15 पे, ये आएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लगाना मत भूलना आधा नंबर, क्योंकि ये यूनिटी कैरी करती है, पता है आपको। अच्छा फर्स्ट पार्ट निकल गया मेरा, सेकंड पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट निकल चुका है, सेकंड कह रहा है डिस्टेंस बता दो ट्रेवल बाय द ट्रेन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। सेकंड पार्ट क्या होती है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है मेरे पास, यू है मेरे पास 0, टी है 300 प्लस 1/2, ए है मेरे पास, ए अभी निकाला है 1/15, टी का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, ये पार्ट तो 0 इंटू समथिंग इज 0, एस आ गया आपके पास 1/2 इंटू 1/15 इंटू 300 इंटू 300, 15 टू जा 30 होता है, कट गया, ये गया 10 पे, 10 इंटू 300, ये आ गया आपके पास 3000 मीटर, तो 3000 मीटर, तो मतलब ट्रेन चली जैसे 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट में गई, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, तो बताओ कितना डिस्टेंस चली वो, तो 5 मिनट में वो 3 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, बताओ कुछ मुश्किल लगा आपको, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा एक बात याद रखना है, कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट हो रहा था, क्या सर इसमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगेगा? आपको पता है ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये हम स्ट्रेट लाइन मोशन में या फिर जो सिंपल मोशन होते हैं ना उनमें लगाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मोशन पढ़ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वही लगेगी। और आपको एक और खास बात बताता हूँ, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना आपका, ये कौन सा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, आप बोलोगे सर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगी ही नहीं, लगी है, ये फर्स्ट इक्वेशन ही है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा ए टी वी माइनस यू, यू को यहाँ ले जाओ तो ये होगा यू प्लस ए टी, देखो वही आ गई ना फर्स्ट इक्वेशन आ गई, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें अप्लाई हुई है, सेकंड भी अप्लाई हुई है, ये रहा आंसर। फर्स्ट का क्या आ रहा है 1/15 और अगले का क्या आ रहा है 3000 मीटर। इस वीडियो को पॉज करो और इसको जरा नोट डाउन करो, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट डिलीट ऑल होते हैं आपको ही पता है बार, ठीक है। ये रहा सेकंड, अगर आपको ये अभी आता है तो एक बार जरा वीडियो को पॉज करो और जरा सॉल्व कर डालो। चलो जिनको नहीं आता वो यहां देखो, कह रहे अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। तो मतलब सॉल्यूशन देखते हैं, 18 से वो 36 गया, तो यू था मेरा, यू कितना था 18 किलोमीटर पर आवर, अब अगेन कन्वर्ट करेंगे ना, वी था 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तो 18 इंटू 5/18 कर लो है ना, और इसको लिख दूं 36 इंटू 5/18। आपने बार नोटिस करी है, जान के 18 के मल्टीपल छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड और ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, टाइम आ गया 5 सेकंड। अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे, डायरेक्टली पुट कराओगे, आपको 0 मिलेगा, 0, ठीक है, याद रखना इस बात को। कह रहा है मुझे ए निकाल दो और मुझे एस निकाल दो, निकाल दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तुम जैसे फर्स्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बिल्कुल सेम है, क्या होता है ए का पहला पार्ट अगर मैं लिखूं, ए कैसे निकाल देते, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो वी कितना है मेरे पास 10, यू कितना है मेरे पास 5, टी कितना है मेरे पास 5, तो ये आ गया 5/5, काटोगे ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो क्या मुश्किल है, आ गया आपका आंसर, इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट कह रहे हैं एस निकाल दो, एस निकाल दो सेकंड पार्ट, एस का फॉर्मूला क्या आता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 5, टी कितना है मेरा 5 प्लस 1/2, ए कितना है 1, टी कितना है, टी है 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25 प्लस 1/2 इंटू 25, ठीक है, तो 25 प्लस 25/2 आ गया मेरे पास, एस क्या आ गया मेरे पास है ना, एस आ गया 25 प्लस 25/2, आप बताओ डेसिमल में कर लो ज्यादा इजी रहेगा, तो ये आ गया 25 प्लस कितना आ जाएगा ये 12.5, एस आएगा आपके पास 37.5 मीटर, तो 37.5 मीटर वो गाड़ी चली, ठीक है, एक्सेलरेट करी 5 सेकंड में, ये आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर ये रहा, 1 सेकंड का आंसर ये रहा, इसको पॉज करो नोट डाउन करो अभी। ये रहा
1 meter per second square और 37.5 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे द ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 meter per second square इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. अगर कार ही 2 सेकंड लेती है रुकने में तो बता दो डिस्टेंस कितने देर बाद रुकेगी. अब जरा 1 सेकंड आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने चाहता हूं जिसकी वजह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो. देखो देर आर टू थिंग्स. एक वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को वो थ्रो कर रहा है, कहां पे ऑब्जेक्ट को वो थ्रो कर रहा है डाउन. और दूसरे में बोलेगा वो ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है कहां पे कर रहा है अप. ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है अप और ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है डाउन. ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है अप मतलब ये कार के ब्रेक लगने वाला केस है, जब ब्रेक लग के वो गाड़ी हो जाएगी स्टॉप. ठीक है, अब आप मान लो ये ऊपर खड़ा है, कोई भी इंसान है जो ऊपर खड़ा है, इसने हाथ में एक स्टोन पकड़ा हुआ है, स्टोन को ऊपर से नीचे फेंक रहा है. जब वो हाथ में स्टोन को पकड़ रखा है, अब मान लो ये स्टोन है, तो मतलब इस केस में मेरा ऑटोमेटिकली यू जीरो होगा ना. यहां ध्यान रखना बोलेगा नहीं, वो ये मत सोचना कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा. ये अंडरस्टूड है, ये आपको खुद समझनी है बात. और ग्रेविटी कहां लगती है, नीचे की तरफ, और फेंक भी कर रहा है वो नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगी इसमें, पॉजिटिव होगी. अब दूसरा केस लेते हैं. ठीक है, अब मान लो ये इंसान है, इसके हाथ में ये स्टोन है, अब ये नीचे से ऊपर फेंक रहा है, तो जब वो ऊपर फेंकेगा तो एक टाइम ऊपर जाएगा, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा ना. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वो यहां पे टच करेगा, नीचे आएगा ना, तो क्या होगा इस केस में, मतलब ऊपर आने के बाद मतलब थोड़ी सा वो टाइम लेगा, उसके बाद वो घूमेगा फिर नीचे आएगा. इस केस में ऑटोमेटिकली वो बोलेगा नहीं आपको कि बेटा ऐसा कर लो, वो अपने आप, आपने क्या करना है, आपने वी को जीरो ले लेना है. क्यों, क्योंकि यहां पे जाते 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 फाइनल स्पीड हमारी अल्टीमेटली जब वो मुड़ेगा जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव ले लेनी है. एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ही ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर फेंका गया है या फिर गाड़ी के ब्रेक लगे हैं. और ऑब्वियसली एक बात बताओ, अगर गाड़ी का ब्रेक लग रहा है और वो गाड़ी आगे जाके रुक रही है तो यू तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया ना. मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, बस चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आपने एकदम से ब्रेक मारी, वो रुक गई, फाइनल स्पीड तो हमारी जीरो हो गई, तो फिर हम क्यों इतना सोच रहे हैं. ठीक है, याद रखना, वो बोलेगा नहीं कि नेगेटिव लो, आपको लेना पड़ेगा. वो बोलेगा नहीं वी को जीरो लो, आपको लेना पड़ेगा. अभी इसको वीडियो को पॉज करके इसका नोट डाउन करो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है, पता है आपको, सिंपल सिंपल तो टीचर को बताइए बच्चा कर लेगा, बट एग्जाम में ज्यादातर वो आता है जो आप नहीं कर पाओगे. ऑब्जेक्ट को जब उसने ऊपर फेंका तो क्या हो गया आपका, वी जीरो हो गया और ए नेगेटिव हो गया. जब गाड़ी रुकी और स्टॉप हुई, ब्रेक लगे और स्टॉप हो गई, तब भी मेरा यही सिचुएशन होगी, सेम सिचुएशन. ठीक है, अब वो क्वेश्चन आया था, अब हम क्वेश्चन पे चल सकते हैं. क्या कह रहा है, जो ब्रेक लगे गाड़ी पे उसमें एक्सेलरेशन लगी 6 meter per second square की इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो मैं अगर मैं सॉल्यूशन शुरू करूं इसका, तो मैं ए को लिखूंगा -6 meter per second square. और वैसे भी ये आपको हिंट दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो ए को आप नेगेटिव, मैंने बताया था ए कैन बी नेगेटिव, ए नेगेटिव हो सकती है. ठीक है, इफ द कार टेक 2 सेकंड टू स्टॉप, टाइम ले रहा है वो 2 सेकंड ले रहा है गाड़ी को रुकने में, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, और मैंने बताया था अगर वो रुक रहा है तो मेरा वी कितना होगा, वो बोलेगा नहीं, आपको अपने आप जाननी है बात, वी जीरो होगा. कह रहे डिस्टेंस निकाल दो, मतलब यू हैव टू फाइंड एस निकाल दो. तो ऐसा कोई रिलेशन मैंने पढ़ा ही नहीं है जहां पे ए टी वी और एस एस निकल जाए, उसके लिए मेरे, बट मैंने यू का तो पढ़ा ना, तो पहले यू निकाल लो, पहले मैं लगा लू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी कितना है मेरे पास, वी है जीरो, यू कितना है यू नहीं पता, यू हम निकाल लेते हैं, प्लस ए कितना है, ए है -6, टी कितना है, टी है 2, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू यू -12, -12 माने के +12, तो यू आ गया आपके पास 12, तो यू आ गया 12 meter per second, है ना. अब आप निकाल लो, अब एस का फॉर्मूला लगा दो, खत्म करो क्वेश्चन. ठीक है, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू कितना है मेरे पास, यू है मेरे पास 12, टी कितना है मेरे पास, टी है मेरे पास 2, प्लस 1/2, ए कितना है मेरे पास, ए है -6, टी का स्क्वायर मतलब टी 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 2 का स्क्वायर. सिंपल सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, मुझे बताओ कि आप निकाल पा रहे हो. 12 2 हो गया ये 24 प्लस 1/2,
ये हो गया माइनस सिक्स इंटू टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर हो गया। इसको आप काटो, दो पे प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, 24 माइनस सिक्स हो जाएगा 12, तो 12 मीटर। तो डिस्टेंस मतलब 12 मीटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, गाड़ी पे ब्रेक लगे, ब्रेक लगने के बाद एकदम से रुकती नहीं है, वो थोड़ा आगे जाके रुकती है, दो सेकंड बाहर रुकी गाड़ी, और कितना चल गई वो 12 मीटर जाके रुकी आगे। ठीक है, देखो जरा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में एज इट इज करके आना। ये देखो सॉल्यूशन चेक करो इसका, 12 मीटर के बाहर रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो वैसे ही इतनी बात बोल दी इसने, तो क्या मैं यू को जीरो ले सकता हूं, बात ही खत्म कर दी इसने। वो कह रहा है बस जब शुरू ही रेस्ट से हुई है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। ए कितना है, ए है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया 2 मिनट, मिनट को सेकंड में कर लूं तो 2 इंटू 60 तो ये हो गया 120 सेकंड। बात समझ आती है इतनी, कह रहा है स्पीड रिक्वायर्ड निकाल दो। अब बताओ यू निकालूंगा वी निकालूंगा, नेचुरल सी बात है वी निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यू तो जीरो की वन है, तो आपसे वी पूछ रहा है पहले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कह रहा है वी निकाल दो, सेकंड पार्ट कह रहा है एस निकाल दो। लो क्वेश्चन खत्म करो। ठीक है, वी निकाल ले पहले, वी ज्यादा इजी निकालना। वी इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, वी इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू कितना है, जीरो प्लस ए कितना है 0.1 और टी कितना है 120। इसको डेसिमल हटा दो, नीचे 10 लगा दो, गया 12 आ गया, इट इज 12 मीटर पर सेकंड। वी आ गया 12 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब आपको कह रहा है एस निकाल दो, तो एस का फॉर्मूला लगा दो। एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस सेकंड पार्ट हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी यू जीरो, टी है 120 प्लस हाफ, ए कितना है 0.1, टी का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको, ये तो जीरो हो गया, तो ये हुआ 1/2 इंटू 0.1, 120 को दो बार लिख दूं क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 120/120। वैसे मैं लटा 10 लगा, ये गया 6 पर, 12 6 जा होता है 72, तो ये हो गया 720 मीटर इज द आंसर। तो 720 मीटर आपका आंसर आ चुका है। बस ऐसी गेम खेलनी है, हमने गेम ही तो खेलना है कि बस स्टार्ट हुई, कार स्टार्ट हुई, ट्रेन स्टार्ट हुई, कुछ भी नहीं है। आपको बस लैंग्वेज कैच करनी है, लैंग्वेज कैच कर गए, एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना मैथ्स के, मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम की तरह है ये। कितना सिंपल है, देखो वीडियो को पॉज करो और इसका नोट करो, ये सॉल्यूशन ये था 720 मीटर और 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे एक ट्रेन चल रही है 90 से, ट्रेन चल रही है 90 से, मुझे ये नहीं पता 90 यू है कि वी है, आगे पढ़े पहले उसके लिए। कह रहे ब्रेक लगे सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना अच्छा इंसान है ये, पता है क्यों, क्योंकि नेगेटिव का साइन दे दिया, मिलेगा नहीं आपको वो, तो बाई चांस से तुक्का है, अगर वो नेगेटिव नहीं भी बोलता ना तो भी आप लगाते, क्यों, क्योंकि ब्रेक लग रहे हैं। कह रहे और आगे जाके ब्रेक लगे तो इज टू प्रोड्यूस मैसेज माइनस, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट पर आ रही है मतलब मेरा वी कितना होगा, जीरो। अगर वी जीरो है तो 90 क्या होगा, 90 आपका यू होगा, खत्म। यही बात तो समझनी हमने, और किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ले इंटू 5/18, 18 5 90 होता है, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू पता लग गया, वी पता लग गया, ए पता लग गया, ए है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द ट्रेन विल गो, आपको निकालना है एस, कितना दूर वो ट्रेन चली, मतलब मान लो ट्रेन चल रही है 90 पे चली, ब्रेक लगे, अब ट्रेन ट्रेन के एकदम से रुक जाएगी, खुद सोचो, नहीं रुकेगी ना, थोड़ा 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 धीरे धीरे जाके रुकेगी, तो कितनी आगे जाके रुकी, ये निकालना है। अब मैंने आपको बताया था थर्ड इक्वेशन लगेगी इसमें कब, जब आपको वी पता हो, यू पता हो, ए पता हो, तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अच्छा मुझे थर्ड याद आ गई, बट आ सकता है आपको थर्ड याद ना आई हो, बट टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अब वी यू ए से पहले टी निकाल दो, फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल दो, देखो आपका आंसर तब भी सेम आने वाला है। मैं आपको भी निकाल के दिखा दूं, देखो अभी निकाल के दिखा दो, पहले जरा मैं थर्ड इक्वेशन से निकालू। थर्ड इक्वेशन कहती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, वी स्क्वायर मतलब जीरो स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब
25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a कितना है माइनस 0.5 और s निकालना है, तो ये हो गया माइनस 25 इंटू 25, ये मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 0.5 ये आ गया s, माइनस से माइनस गया, डेसिमल हटा 10 लगा, 5 टू जा 10, 2 से 2 गया, s आ गया आपके पास 625 मीटर, तो 625 मीटर के आगे जाके ट्रेन रुकेगी, एकदम से नहीं रुकती ट्रेन, आपको पता होगी गाड़ी भी नहीं रुकती, इवन आपकी साइकिल चलाओ साइकिल भी नहीं रुकती, स्कूटी भी नहीं रुकती, इतना आगे जाके, क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा होता है ना, स्पीड भी तेज होती है 90 पे, ठीक है। अब मैं एक ना सिचुएशन मानता हूं कि मान लेता हूं कि आपको पेपर में ये याद नहीं आया कि सर हमें थर्ड लगानी है, बट आपको इतना तो पता है ना कि मैं फर्स्ट से आपको टी निकाल सकता हूं, है ना, तो मैं एक दिन ना दूसरा तरीका बता रहा हूं, और करके लिख लेना इसको अगर बाय चांस लिखना है तो, वैसे इतना भी आंसर हमारा सही है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया मैंने, v कितना है 0, u कितना है मेरा 25, a कितना है मेरा माइनस 0.5 और t नहीं पता, तो ये माइनस 25 हो गया, ये हो गया माइनस 0.5 टी, डिवाइड में जाएगा तो ये होगा माइनस 25 अपॉन माइनस 0.5, ये आ जाएगा t, माइनस से माइनस जाएगा, ठीक है, तो t आएगा आपके पास 25 अपॉन 0.5, डेसिमल हटा 10 लगा, 5 टू जा 10, तो ये आ गया t, आ गया आपके पास कितना आ गया 50, 50 सेकेंड आ गया। अब आपका मन कर रहा है सेकेंड इक्वेशन लगा दूं मैं, तो लगा दूं, आपको आंसर में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, पता है आपको, मैं जरा इसको इरेज करके दिखाता हूं, इसको जरा वही नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन बता रहा हूं कि पेपर में ये ना हो कि आप क्वेश्चन ही छोड़ा हो कि सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था मैं कौन सी इक्वेशन में मोशन लगाऊं, आप अगर सेकेंड से चलोगे तो भी आपको बिल्कुल सेम ही मिलेगी लगाने को, देखो। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बाय चांस अगर हम ये लगाते हैं तो देखते हैं क्या आता है, यू 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 कितना था मेरे पास, यू था मेरा 25, टी आया है 50 प्लस 1/2, ए कितना आया था मेरे पास, ए था माइनस 0.5 और टी कितना था, टी था 50 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 125, ठीक है, माइनस 0.5/2 इंटू 50 इंटू 50, ये डेसिमल हटाओ नीचे 10 लगाओ, इससे ये गया और ये गया 25 पर, तो ये आ गया 1250 माइनस 25, 5 125, 125, 625, लो आंसर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। तो तभी मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, डरना नहीं है करना है, जो डर गया सो मर गया, डरना नहीं है करना है, हमें करना है, कुछ भी हो जाए हमें ये अप्लाई करके आनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लगाओ थर्ड लगाओ, आपको आपके सामने मैंने प्रूफ दे दिया आपको, एस मैंने पहले ये थर्ड से निकाला, फिर एस मैंने फिर सेकंड से निकाला, आपके सामने प्रूफ है दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं लगायो, क्या दिक्कत है, ये इसका आंसर हो गया 625 मीटर इज आंसर। नेक्स्ट, अ ट्रॉली वोय वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक ट्रॉली ऊपर से नीचे जा रही है, अभी आपको मैंने बताया था कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे जाती है, यहां इतना पढ़ते ही क्या मैं सॉल्यूशन में क्या यू को जीरो बोल दूं, अभी तो बताई थी ये बात, जब भी ऊपर से नीचे कोई चीज जाएगी तो यू जीरो, नीचे से ऊपर जाएगी तो वी जीरो, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कह रहे वेलोसिटी बता दो 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, टाइम है 3 सेकेंड, कह रहा है वी बता दो मुझे, अच्छा सेकेंड को अब नहीं भी करोगे चलेगा क्योंकि सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर, है ना, फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू कितना है 0 प्लस ए कितना है 2 इंटू 3, तो v आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर, लो कोई तो फर्क थोड़ी ना पड़ा, मैं कन्वर्ट जब करता था जब ये पूरी, अब मान लो अगर ये मिनट दिया होता टाइम की जगह तो मैं कन्वर्ट कर देता, जब आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ गया, आपको मीटर में करना है, मीटर में स्मार्ट लगता है, तो आप इसको डिवाइड बाय 100 कर लो, नाउ इट इज इन मीटर पर सेकेंड, लो तो ये आएगा आपका 0.06 मीटर पर सेकेंड, डिफरेंस थोड़ी ना क्रिएट हुआ, बोथ आंसर आर करेक्ट, ये भी सही है ये भी सही है, पेपर में आप दोनों कराओ, पेपर में आप एक भी कराओगे चलेगा, ठीक है। आंसर इज कितना आया, इट इज 6 मीटर पर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
नेक्स्ट, एक रेसिंग कार की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कह रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो 10 सेकेंड में आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद। तो मतलब मैं यू को जीरो ले लूं, कोई दिक्कत है? और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ए कितना है मेरे पास, ए है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है व्हाट डिस्टेंस, टाइम दे रहा है 10 सेकेंड, कह रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यू हैव टू फाइंड एस लो। अब आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी के अभी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या आपके दिमाग में क्लिक हो पा रहा है फॉर्मूला, यू लिख दिया, ए लिख दिया, टी लिख दिया, इतना लिखते ही एस निकालना है, फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए। इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाते ही आपका आंसर आपके सामने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो इंटू टी 10 प्लस हाफ ए कितना है 4 × 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया, तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो प्लस, ये कट गया दो पे, 2 × 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो S आ गया आपके पास 200 मीटर, तो 200 मीटर गाड़ी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 10 सेकंड में, 200 मीटर भाग जाएगा, रेसिंग कार है ना, आपको पता है वो रेसिंग कार, तो आपको पता है कैसे भागती है ना, तो 10 सेकंड में वो 200 मीटर भाग जाएगी, ये इसका आंसर है 200 मीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके चलो वीडियो को पॉज करो, अब मैं चाहता हूं क्या ना, ये आप ट्राई करो, मैं ये चाहता हूं वीडियो को पॉज करो अभी, इसको ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए भाई सबसे, ये मत बोलना कि मैंने लिखा नहीं, मैंने हुआ नहीं, किया नहीं, अभी के अभी इसको ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ठीक है। और बाकी बच्चे आगे देखो, कह रहे अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप 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 पढ़ते ही, अप पढ़ते ही आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, मेरा v जीरो हो जाएगा और a नेगेटिव हो जाएगा, a ढूंढ लो, a ढूंढ लो, a मिल गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी बात समझ आती है, मैंने आपको ये बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग, मैंने आपको दो बातें लिखवाई थी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जब नीचे से ऊपर फेंकेगा तो क्या होगा, a नेगेटिव और v जीरो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें नेगेटिव नहीं दिया तो आपको तो सीधा जीरो अंडा मिलेगा अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, तो याद रखना इस बात को। अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, ऑब्वियसली अगर v जीरो है तो u आपका 5 मीटर पर सेकेंड होगा, यस और नो, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग द इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कह रहा है s निकाल दो कितनी हाइट उसने अटेन कर ली, कितनी हाइट अटेन कर ली उसने, कह रहा है s निकाल दो, एंड हाउ मच टाइम, दो चीजें पूछ रहा है, कम से कम 3 या 4 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आता है, कह रहा है मुझे टाइम बता दो और मुझे s बता दो। टाइम निकालना सबसे इजी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूं, क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन, कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जीरो इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 10 × t प्लस 5 वहां जाके माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10t मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो -10 डिवाइड में जाएगा t आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो t आएगा आपके पास 0.5 सेकेंड, टाइम आ चुका है आप सबका भी बदलने का, टॉप करने का टाइम आ चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इन चीजों को पढ़ो अच्छे से, इनको ग्रैप करो और पेपर में टॉप करो, मुझे बताना जरूर कि हाँ सर मैं आपसे पढ़ा था और मैं टॉप किया, आपसे ज्यादा खुशी 100,000 times खुशी मुझे होगी यार, ठीक है। अच्छा एस निकालना है बी पार्ट, एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाओ क्वेश्चन खत्म करो, यू कितना है, यू कितना है, यू कितना है, यू है 5, यू है 5, टी कितना है, टी है आपका 0.5 को मैं 5/10 लिख रहा हूँ, चलो 0.5 ही लिख लो, ए कितना है, ए है -10, टी कितना है, टी है 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 × 5 = 25, तो 2.5 हो गए, प्लस माइनस माइनस ये कट गया, 5 पे काट दो इसको, 5 × 0.5 का स्क्वायर होगा कितना 0.25, एस हो गया 2.5 माइनस
ये हो गया 525 125, और दो के बाद तो 1.25 आ गया, इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा 1.25 मीटर आंसर आएगा। आंसर आ चुका है आपका, आंसर कितना आ चुका है, आंसर आ चुका है आपका 1.25 मीटर इज द आंसर, आंसर आपका आ चुका है 1.25 मीटर आपका आंसर आ चुका है। तो मतलब वो स्टोन 1.25 मीटर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वहां से ऐसे करके पैराबोला की तरह, पैराबोला की तरह आता है, नीचे आएगा और जमीन को स्ट्राइक करेगा। अब जरा वीडियो को पॉज करो, इसका नोट डाउन करो। तो ये रहा इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन, टाइम आएगा 0.5 सेकेंड और एस आएगा आपका 1.25 मीटर, ठीक है। सो फाइनली देखो कितने सारे न्यूमेरिकल करा दिए मैंने आपको आज, इनको यार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई फिर भी डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट इन चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। अभी आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक दो पार्ट्स और हैं बस, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मेरी आदत है थोड़ा सा ना बहुत अच्छे से पढ़ाने की, मैं चाहूं तो और टीचर्स की तरह भी यार आपको आराम से इस पूरे चैप्टर को मैं आधे घंटे में निपटा सकता हूं, लेकिन उससे आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा और उल्टा मुझे और बुरा लगेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको आराम से समझाओ, लेकिन सारी चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि टॉपर जो बनाना है आपको, कंसेप्ट समझाने हैं, 11th क्लास में आपको साइंस दिलानी है, लेनी है साइंस हमने, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।